तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में बोले तो भूगोल और इंग्लिश में बोले तो जियोग्राफी, इसका एक सैम्पल पेपर। जी हाँ बच्चों, आपको तो पता ही होगा हम अपने चैनल पे सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर जो भी आप कह लीजिए उसकी सीरीज चलाते हैं। आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका हिंदी का पेपर हुआ था उसके अंदर हमने 13 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए थे। इंग्लिश का जो पेपर हुआ था आपका अभी रिसेंटली, उसके अंदर हमने आपको 10 प्रैक्टिस पेपर दिए थे। और अब जो आपका जियोग्राफी का, जी हाँ बच्चों ये जो भूगोल सब्जेक्ट है इसका जो पेपर होने वाला है, इसका हम कम से कम आपको 15 प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, ये सैम्पल पेपर कह लीजिए, ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो इससे आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि आपका जो 18 मई है, जी हाँ बच्चों 18 मई 2022, ये जो डेट है इस दिन आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट का, ये कह लीजिए भूगोल का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इस बोर्ड एग्जाम के लिए जो हम ये सैंपल पेपर करवा रहे हैं, ये सैंपल पेपर नंबर 1 है हमारा। ठीक है, और इसी तरह के सैंपल पेपर कम से कम आपको 15 सैंपल पेपर तो मैं करवा ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप जितना लाइक करते हैं हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भूगोल सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मतलब आपका ये जो पेपर होगा ये थ्योरिकल पेपर होगा, लिख करके उत्तर देना है। जियोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं और इस सब्जेक्ट का जो कोड है आपका 029 है। ठीक है, ये जो पेपर होगा आपका जियोग्राफी का, ये होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा। और इस जियोग्राफी का पेपर जो होगा इसमें आपका अधिकतम अंक 35 होगा, यानी कि 35 नंबर का आपका पेपर होगा। और सारे पेपर 40 नंबर के होते हैं लेकिन जियोग्राफी का पेपर आपका 35 नंबर का होता है। जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा आपका फाइनल 18 तारीख को, कुछ इसी टाइप से आएगा पैटर्न में, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज लिखी हुई होगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ सेट दिया हुआ रहेगा, जैसे कि ये जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ ये सेट 1 है। यहाँ पर कोड लिखा हुआ रहेगा, आप यहाँ देख सकते हैं रोल नंबर के लिए इस तरह से सेक्शन दिया हुआ रहेगा और कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई रहेंगी। नीचे चले तो नोट करके कुछ बातें लिखी हुई रहेंगी, जैसे कि कृपया जांच कर लीजिए कि ये जो प्रश्न पत्र है इसमें आपको मुद्रित पृष्ठ यानी कि प्रिंटेड जो हमारे पेजेस है वो 12 प्रिंटेड पेजेस देखने को मिलेंगे और प्लस में एक आपका मानचित्र यानी कि मैप देखने को मिलेगा। टोटल आपका 12 प्रिंटेड पेज, खाली पेज को छोड़ करके प्रिंटेड पेज 12 है और एक जो है मैप इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो मैं अभी आपको पेपर करवा रहा हूँ उसके अंदर। और भी कुछ यहाँ पर बेसिक बातें हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ बताया गया है कि ये जो पेपर है आपका जियोग्राफी का, इसके अंदर आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर और कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। और नीचे चले तो यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि आपको वही 15 मिनट का टाइम अलाउ किया जाता है पढ़ने के लिए, और इस तरह से 10:30 से आपका पेपर शुरू होता है, 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं और 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ कर देते हैं पढ़ने के लिए। अब हम लोग बढ़ चलते हैं सीधा सामान्य निर्देश पे। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए सामान्य निर्देश समझिए, ये जो हमारा पेपर है इसको 5 सेक्शन या हिंदी में बोले तो 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सेक्शन ए है आपका, बी है, सी है और डी है और लास्ट में ई है, इसमें बांटा गया है। टोटल हमारे ये जो पेपर है ये 5 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सेक्शन ए है आपका, जिसको हिंदी में बोलेंगे खंड क या खंड ए कह सकते हैं आप, ठीक है, उसमें प्रश्न संख्या 1 से 3 तक अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रकार के क्या होते हैं यहाँ समझिए, देखिए इंग्लिश में और अच्छे समझ में आएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन ए के अंदर। तो इसमें 4 क्वेश्चन होंगे अथवा वाला लगा के, तो सेक्शन ए में आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हमारे जो सेक्शन बी है, जो सेक्शन बी होगा उसके अंदर सिर्फ 1 क्वेश्चन होगा, 4th क्वेश्चन, और वो स्रोत आधारित होगा यानी कि सोर्स बेस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन बोले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सो कि लघु उत्तर आधारित प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, हिंदी में बोले तो। उसके बाद आगे चले तो बताया गया है जो सेक्शन डी होने वाला है
उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 9 तक जो होगा ये सेक्शन डी के अंदर आएगा, और इसके अंदर लॉन्ग आंसर जो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय बोले तो 5-5 नंबर के प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। इससे पहले जो सेक्शन है उसमें मेनली 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो सेक्शन आ जाता है आपका सेक्शन आपका डी, उसके अंदर 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सेक्शन ई की, जो हमारा सबसे लास्ट वाला सेक्शन है, इसके अंदर मैप पूछेगा। बेसिकली 10वां क्वेश्चन जो होगा ये सेक्शन ई के अंदर कंसीडर किया जाएगा, और मैप जो होगा पूछा जाएगा सेक्शन ई के अंदर। तो इस तरह से आपका सामान्य निर्देश था। आई होप कि आपको सामान्य निर्देश समझ में आ गया होगा। हिंदी में अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम अपना पेपर शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए हैं बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर, जिसको आप खंड हिंदी बोलेंगे खंड ए। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था। तो देखिए सेक्शन ए और इस पेपर का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि किन्हीं दो उदाहरणों सहित उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विथ एनी टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा हाई टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री होता है ना, जिसमें बहुत ही उन्नत किस्म की बहुत अच्छे प्रकार का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, AI वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो उसके बारे में आपको उसकी संकल्पना को स्पष्ट करना है, मतलब उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होता है, यह नवीन पीढ़ी के उद्योग है, यानी कि नई जनरेशन के उद्योग है। आज के टाइम के जो हमारा जनरेशन चल रहा है ना, इस टाइम के उद्योग के अंदर इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्माण होता है, इसमें एकदम नई टेक्नोलॉजी के साथ जो साइंटिफिक चीजें हैं और जो इंजीनियरिंग लगता है उसके साथ कोई भी चीज बनाई जाती है। जैसे कि कोई मोबाइल फोन बनाया जाता है ना, तो अगर कोई नया मोबाइल फोन बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए MI वाले हैं, ठीक है, जो हमारे MI वाले हैं, इनको एक नया मोबाइल फोन बनाना है, तो ये क्या करेंगे, एक ऐसा लैब ढूंढेंगे बड़ा सा, जिस लैब के अंदर आपको कंप्यूटर की सेवा अवेलेबल मिले, ठीक है, इंटरनेट मिले, साथ ही साथ उनमें अपने जो रिसर्चर्स है उनको बैठाएंगे, साथ ही साथ और भी बहुत सारा तामझाम, मतलब बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगाएंगे, तब जाकर के कोई ये एक न्यू फोन बनाते हैं, नया एक कह सकते हैं डिजाइन के साथ फोन बनाते हैं। तो ये हमारा चीज किसके अंदर अंदर कंसीडर किया जाएगा, ये किया जाएगा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंदर। एक और लेटेस्ट और बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, हाँ, जैसे कि मान लीजिए कोरोना था, क्या था, अभी था नहीं बोलूंगा क्योंकि है ही COVID-19, ठीक है, COVID-19, तो इसकी वैक्सीन बनानी थी। वैक्सीन बनाने के लिए एकदम हाई टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, कि कैसे क्या हम लोग रिसर्च उसर्च करेंगे, तब इसका जो है सो कि ये जो कोरोना है इसका हम लोग वैक्सीन बनाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल साइंटिस्ट वाइंटिस्ट लग गए, एक लैब मिला उनको, लैब के अंदर इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ठीक है, तो एकदम हाई टेक्नोलॉजी लगा करके, रोबोट का भी दिमाग इस तरह से, सारे चीज AI वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह लगा करके तब क्या बनाया गया, वैक्सीन वगैरह बनाया गया। तो ये सारी चीजें आप एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होता है ना उसके अंदर कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो वही बात है, यहाँ पर बता रहा है कि जो उत्पादों का निर्माण होता है ना, एवं जो भी चीज का विकास होता है वो गहन शोध के बाद होता है, बहुत रिसर्च करने के बाद कोई चीज बनाया जाता है या उसके अंदर डेवलपमेंट किया जाता है, कि भाई ये चीज बनी हुई है इसमें बहुत गहराई से हम लोग सोचेंगे और देन इस चीज के अंदर डेवलपमेंट करेंगे या कोई नया चीज क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि आगे देखिए बच्चों, अगला समझिए अगले पॉइंट में क्या बता रहा है कि ये इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं ना, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है इसके अंदर जो मशीनें होती है वो हाई क्वालिटी की होती है, मानव रोबोट यानी कह सकते हैं एक तरह से AI वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कंप्यूटर आधारित डिजाइनें तैयार की जाती है, कि भाई हम ये कार बना रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा एक कार है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, तो आप इतना नोटिस मत कीजिएगा, ठीक है, तो ये हमारी कार है, कार तो अच्छी बना दी तो ये हमारी कार है, तो पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, कंप्यूटर पे डिजाइन तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि मानव निर्मित रोबोट जो है सो कि फिर कंप्यूटर आधारित डिजाइन तैयार किया जाता है और तब उस चीज का निर्माण वगैरह किया जाता है। फिर उसके बाद बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक निर्माण वाले शोध जो होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक निर्माण होता है, मान लीजिए कोई फोन बनाना है तो उसके लिए शोध कार्य किया जाता है, तब
तथा जो नए रासायनिक व औषधीय उत्पाद होते हैं, औषधीय मतलब दवाएं वगैरह बनानी है, तो उसके लिए बहुत शोध करके तब उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो हमारा हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमारा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होता है, या इंग्लिश में बोले तो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्या होता है। नीचे यहाँ पर एक और लाइन लिखी गई है कि कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला ये जो मैंने आपको बताया यही फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से एनसीईआरटी जो आपका बुक है, एनसीईआरटी जो आपका बुक है, इसको आधार बना करके, क्या बना करके, आधार बना करके अपने हिसाब से कोई और अप्रासंगिक कह सकते हैं बिंदु लिख सकते हैं, अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का आंसर अलग अलग होता है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले आधुनिक विनिर्माण की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखना है आपको। राइट डाउन एनी टू फीचर्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले विनिर्माण समझिए, विनिर्माण क्या होता है, कई बच्चों को विनिर्माण नहीं पता होगा। तो देखिए विनिर्माण की जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लीजिए। देखिए कोई भी कच्चा माल है, क्या है, कच्चा माल, ठीक है, जब उस कच्चे माल से हम लोग एक पक्का माल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पक्का माल बनाते हैं। कच्चा माल से किस में कन्वर्ट हो गया, पक्के माल के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, तो ये चीज हमारा कंसिडर कर लिया जाता है विनिर्माण के अंदर। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। एक लोहा आपने मान लीजिए, एक 2 किलो आपने 2 केजी लोहा खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा, लोहा, ठीक है, एक मिनट, हाँ लोहा आपने खरीदा। अब उस 2 किलो लोहा से आपने 1000 ब्लेड बना दिया, ठीक है, क्या बनाया, 1000, जो हमारा ब्लेड होता है, ब्लेड जो होता है ना वो बना दिया, ब्लेड मतलब वो जो नाखून काटने वाला ब्लेड नहीं आता है वो बना दिया। तो ये लोहा क्या हुआ, आपका कच्चा माल हुआ, और यहाँ से जो आपने ब्लेड बनाया ये हमारा पक्का माल हुआ, इससे आपने बहुत अधिक धन कमा लिया। ठीक है, तो ये कच्चे माल को आपने एक परफेक्ट शेप दे करके उसको एक पक्का माल बना दिया, और यही हमारा विनिर्माण के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो यही जो विनिर्माण है ना बच्चों, ये बड़े पैमाने पर होता है। तो ये बड़े पैमाने पर जो हमारा आधुनिक स्तर पे, आज के लेटेस्ट टाइम पे जो बड़े पैमानों पर कोई विनिर्माण होता है, आधुनिक विनिर्माण, तो इसकी ही हमें दो विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या विशेषताएं आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, पहला है कि कौशल या उत्पादन के तरीकों की विशेषज्ञता। मान लीजिए कि बड़े जो स्तर पे आपको एक फोन बनाना है, ठीक है, एक सैमसंग का फोन बनाना है, तो उसके लिए आपको पास बड़े स्तर पे कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और उत्पादकता होनी चाहिए कि भाई इतना सामान हम लोग, सैमसंग का इतना फोन हम लोग बना सकते हैं बड़े स्तर पे, तो स्किल वगैरह होना चाहिए। उसके बाद मशीनीकरण, अब जाहिर सी बात है हाथों से तो हर पार्ट हम लोग इसका असेंबल करेंगे नहीं। मान लीजिए एक बाइक भी बनानी है तो उसका इंजन भी मशीन फिट करेगा, उसका जो हेडलाइट है वो भी मशीन फिट करेगा, ज्यादातर काम मशीनें करती हैं आज के टाइम पे, बड़े स्केल पे अगर आपको करना है तो, ठीक है, तो हमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक विशेषता आप मशीन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं बच्चों संगठनात्मक संरचना और स्तरीकरण, तो एक ये भी महत्वपूर्ण आपका अंग बन जाता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं असमान भौगोलिक वितरण, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सो कि जो हमारा आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाला आधुनिक विनिर्माण है, ठीक है, तो उसकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। तो कोई आपको 2 एक्सप्लेन करना था, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर 4 जो है सो कि हिंट दे दिया, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए जियोग्राफी है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जियोग्राफी के अंदर थोड़ा सा टफ लैंग्वेज होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा बच्चों जितना मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊं उतना आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक नहीं किया है तो कर जरूर दीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए बच्चों, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एक अथवा में क्वेश्चन पूछा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कच्चे माल की प्राप्ति की अभिगम्यता किस प्रकार बड़े पैमाने के उद्योगों की अवस्थिति जो है, यानी कि स्थिति जो है उसको प्रभावित करती है, किन्हीं 2 कारणों द्वारा आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो यानी कि जो कच्चा माल होता है, हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उसकी अभिगम्यता, यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे होंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे अभिगम्यता, ये वाला एक शब्द यूज हो रहा है, तो इंग्लिश भी जरूर पढ़ा कीजिए बच्चों। अभिगम्यता मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि कितना कच्चे माल का एक्सेस है बड़े पैमाने के उद्योगों के पास। तो इससे क्या होता है, इससे जो उनकी स्थिति है, ठीक है, तो उनकी स्थिति कैसे प्रभावित होती है, ये कच्चा माल जो होता है उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थिति जो अवस्थिति है उसको कैसे प्रभावित करती है, आपको कोई दो कारणों के द्वारा जो है ये चीज एक्सप्लेन करना है या स्पष्ट करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर बच्चों, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि विनिर्मित वस्तुओं के, एक सेकेंड, ओके, विनिर्मित वस्तुओं के लिए एक बाजार की अस्तित्व उद्योग के स्थान का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि मान लीजिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको दूध बेचना है, ठीक है, तो दूध आपने क्या किया, दूध आपने क्या किया, दूध लाए, किसानों से दूध इकट्ठा किया, एक जगह फैक्ट्री लगाई आपने, फैक्ट्री लगाई तो आप कोशिश करेंगे, दूध क्योंकि खराब होने वाला प्रोडक्ट है तो आप कोशिश करेंगे दूध जहां फैक्ट्री लगा रहे हैं आपका, जहां पर इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है आपका, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे उसके आसपास में ही आपको बाजार देखने को मिल रहा है, बाजार देखने को मिल जाए, मतलब कि अगर उसके आसपास बाजार देखने को मिल जाएगा तो आप इजीली उस दूध को बेच पाएंगे, तो जिससे कि आपका जो माल है वो आसानी से खपत हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो बड़े पैमाने के उद्योग है वो वहीं पर लगाए जाते हैं जहां उनको कच्चा माल इजीली मिल जाए, ठीक है, और बाजार भी अवेलेबल हो जाए, तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए, बाजार का अर्थ है वे लोग जिनके पास इन सामानों की मांग है, यानी कि कोई भी सामान हो सकता है, मैंने दूध बताया आपको, तो कोई भी सामान जो बनाया जा रहा है, ठीक है, वहां पर जो बाजार उसको मिलता है तो लोग उसको खरीद सके, खरीदने में सक्षम हो, ठीक है, जो भी सामान वहां मिल रहा है, जिनके पास एक स्थान पर विक्रेताओं से खरीदारी करने में सक्षम हो, मैं वही बताया ना, यानी क्रय शक्ति हो, खरीदने की क्षमता हो उनके पास, ठीक है। अगर 30 रुपए का दूध बन रहा है, 30 रुपए का दूध वो खरीद ले, 1 लाख रुपए का अगर फोन बन रहा है तो वही बनाएंगे कि जहाँ के लोग उसे खरीद सके, अगर 1 लाख का फोन इंडिया में बना रहे हैं तो इंडिया वाले खरीद ले रहे हैं, लेकिन 1 लाख का फोन अगर एप्पल वाले आप अफ्रीका में जाके बनाइए तो वहां पे लोग जल्दी नहीं खरीदेंगे क्योंकि गरीबी इतनी है वहां पे, समझ रहे हैं ना। तो उद्योग बड़े पैमाने को वहीं लगता है जहां पर रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए और एक बाजार उसको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ लोगों द्वारा बसाए गए दूरस्थ क्षेत्र छोटे बाजार प्रदान करते हैं, कुछ लोगों के द्वारा जो कुछ एक स्थान पर लोग बस जाते हैं ना, वो एक छोटे बाजार के रूप में आप देख सकते हैं, वहां पर सामानें बेची जा सकती हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विकसित क्षेत्र जो होते हैं ना, वहाँ बड़े वैश्विक बाजार प्रदान करते हैं, ये ऐसे जगह है जहां पर आपको बड़ा बाजार मिलेगा, कोई भी सामान आपको बल्क में बेचना है तो यहाँ बेचिए। चाइना के जो लोग होते हैं वो अपना सामान यहाँ बेचते हैं, एमआई के, रेडमी, जो ओप्पो है, वीवो है, और भी जितने हैं, वन प्लस वगैरह के जितने भी इनके फोन है, सब यहीं बेचते हैं क्योंकि उनको बड़ा बाजार मिलता है, सस्ते में सामान बेचते हैं, खरीद भी लेते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति बहुत अधिक है। यहाँ पर जो लोगों की क्रय शक्ति है ना, यानी खरीदने की पावर जो है ना, बहुत ज्यादा अधिक है, क्योंकि भाई डॉलर से कमाने वाले बंदे होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, डॉलर एक बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी और बहुत अच्छा करेंसी कहा जाता है उसको। आगे चलते हैं, अगला है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्र भी बड़े बाजार प्रदान करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है ना, वो भी एक बड़े कह सकते हैं बाजार प्रदान करते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें आप यहाँ पर लिख सकते थे कि कच्चे माल की प्राप्ति की अभिगम्यता, मतलब कच्चे माल की प्राप्ति की एक्सेसिबिलिटी किस प्रकार जो है बड़े पैमाने के उद्योगों की अवस्थिति जो है उसको प्रभावित करती है। हमने कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा दिया बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि छोटे पैमाने के उद्योगों की किन्हीं तीन विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, छोटे पैमाने के उद्योग मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको आप कह सकते हैं। तो देखिए, छोटे पैमाने के उद्योग की अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें तो विशेषता में आप अच्छी चीजें भी लिख सकते हैं, खराब चीजें भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से आपके लिए बताया है, पहला है कि निर्माण स्थल, इस प्रकार के उद्योगों में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है, मतलब जहां पर चीजें बन रही होती है ना, वो एक कारखाने में बन रही होती है, आप ये कह सकते हैं। कच्चा माल, यानी कि इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, इसमें जितना मान लीजिए कच्चा माल चाहिए आपको वो स्थानीय स्तर पे ही मिल जाता है, कहीं बाहर से लाने की, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है छोटे पैमाने के उद्योग के अंदर, ठीक है, कोई भी सामान अगर आप बना रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए एक सब्जी बेचने वाला है,
क्या है, एक सब्जी बेचने वाला एक ठेला के अंदर क्या करता है, बहुत सारा सब्जी क्या करता है, बेचता है। तो इसको लिए उसको ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, जाएगा मंडी में, मंडी से क्या करेगा सब्जी लेके आएगा और बेचना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन वही बात रही मंडी की, मंडी के अंदर सब्जी आना है, तो मंडी के लिए तो अलग अलग जगहों से आएंगे, ठीक है, कई जगह आप जाएंगे, वहां से बहुत सारा मात्रा में मंडी में सब्जी लाएंगे। लेकिन अगर एक छोटा व्यापारी है या छोटा पैमाने पर कोई उद्योग चल रहा है, तो उसको कच्चा माल इजीली स्थानीय स्तर पर ही मिल जाता है। आई होप कि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, ठीक है, मैं किस प्रकार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका कच्चे माल जो है उसका उपयोग स्थानीय स्तर पर ही मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे कि स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, ठीक है। यानी कि इस तरह का जो हमारा उद्योग होता है, इंडस्ट्री होता है ना, इसके अंदर इम्प्लॉयमेंट बहुत होता है, रोजगार बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वो लोग पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो उनके पास क्रय शक्ति यानी कि कोई भी चीज खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी यानी कि हिंदी में बोले तो खंड बी। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, जो कि आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, स्रोत आधारित प्रश्न, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यह बोल रहा है कि दिए गए स्रोत को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर देना है। तो देखिए ये बाह्य स्रोतन जो होता है ना, उसके ऊपर ये आपका दे रखा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलता हूँ बच्चों इसके, ठीक है। तो देखिए 4.4 में आपका पूछ रहा है क्वेश्चन कि बाह्य स्रोतन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, ये क्या होता है। तो देखिए आउटसोर्सिंग या ठेका देना एक बाहरी एजेंसी को कार्य कुशलता में सुधार लाने और लागत कम करने के लिए काम दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यूएसए का एक कंपनी है, क्या है, यूएसए का एक कंपनी है, वो चाहता है कि एक कॉल सेंटर खोले, क्या खोले, कॉल सेंटर, कॉल, सी से कॉल और एस से सेंटर, कॉल सेंटर खोलना चाहता है। तो वो अगर अपने यहाँ पर खोलेगा, यूएसए के अंदर खोलेगा, तो वहां एक आदमी को उसको पैसा देना होगा, एक दिन का नहीं नहीं तो वहां पे अच्छा खासा पैसा होता है, मान लीजिए $70, मान लीजिए, ठीक है, $70 इस तरह से होता है, जो भी मैं आपको 70, ठीक है, डॉलर मैं लिख ही देता हूँ, डॉलर $70 देना होगा उसको, $70, समझ रहे हैं, $1 आज के टाइम पे 77 रुपीज है, यानी कि अच्छा खासा अमाउंट उसको देना है, साथ आराम से हजारों में बैठेगा। अगर इंडिया में वही कॉल सेंटर खोलेगा तो एक इम्प्लॉय को क्या होगा कि एक दिन का पे अगर वो करेगा तो मान लीजिए कितना पे करेगा, मुश्किल से एक दिन में कितना हम लोग कमा लेते हैं, अगर एमएनसी कंपनी है तो वही 1,000, 1,000 के लिए कितना डॉलर देना होगा उसको, मान लीजिए $10 में ही उसका काम हो जाएगा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो $10 में ही एक आदमी को एक दिन के लिए अपने यहाँ रख सकता है एमएनसी कंपनी के अंदर। तो सोचिए कहाँ उसका काम $10 में हो रहा है, कहाँ ये $70, $70 भी ना लेके चले तो $50 ले लो, $50 बहुत हाई हो जाता है, यहाँ पर $10 डायरेक्ट आपका लगभग 90% जो है ना जो खर्चा है वो कम हो रहा है। तो इसीलिए बाहर की कंपनियां अपना ठेका दूसरे देशों को देती है, दूसरे देश के स्किल्ड लेबर जो होते हैं ना उनको देती है। इसीलिए आप भारत में एमएनसी कंपनी देखते होंगे, एमएनसी कंपनी, एमएनसी कंपनी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो बाहर की कंपनियां भारत में आती हैं और अपना काम करवाती है, और सस्ते में उनका काम हो जाता है, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता है। इसी स्तर, इसी मतलब चीजों को आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे लोगों को सस्ता लेबर वगैरह मिलता है, स्किल्ड लेबर वगैरह, तो वहां पे लोग जाना पसंद करते हैं, अपना काम करवाना पसंद करते हैं। तो यही आउटसोर्सिंग कह सकते हैं या बाह्य स्रोतन के अंतर्गत आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, तो देखिए इसमें ठेका देता है बाहर की एजेंसी जो कि कार्य कुशलता के आधार पर ठेका देती है, और सुधार लागत वगैरह इसके अंदर जो है सो कि कम रहता है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर पैसेज के अकॉर्डिंग है लिखा हुआ, मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया है। उसके बाद है अगला 4.5 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में डेटा प्रसंस्करण करने के लिए मुख्य रूप से कौन से कारक जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अच्छी अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, कौशल वाले आईटी कुशल कर्मचारी के कारण कम वेतन पर उपलब्ध है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो सस्ते में उनको मिल जाते हैं लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाह्य स्रोतन द्वारा किन व्यापारिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, संक्षेप में आपको बताना है। तो
बाह्य स्रोतन से क्या होता है कि बाह्य स्रोतन कह लीजिए, आउटसोर्सिंग कह लीजिए, आउटसोर्सिंग की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों में हम लोग इस चीज को देखते हैं। जैसे कि आईटी क्षेत्र जो है, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, कॉल सेंटर, ग्राहक सहायता केंद्र, ठीक है, ये सारी सेवाएं इसी के अंदर शामिल हो जाती है। और कई बार विनिर्माण और अभियांत्रिकी जो चीजें हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो वही है, इसमें वही पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत व्यापारिक क्रियाओं को संपन्न कैसे किया जाता है, जिससे कि जो होता है ना ट्रेड वाली चीजें, व्यापार वाली चीजें, उनको कैसे संपन्न किया जाता है। तो बाहर के लोग यहाँ आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ के लोग उनके लिए काम करते हैं, शायद सीधी सी बात है। इस तरह से ये पैसेज के अकॉर्डिंग मैं आपको अलग से थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये होता है कंप्लीट। उसके बाद आप लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खंड सी आप हिंदी में बोल सकते हैं। इसके अंदर आपसे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, कि राइन जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है, कोई आपको तीन बिंदुओं द्वारा इस मार्ग के महत्व का आपको वर्णन करना है। जो राइन जलमार्ग है ना, राइन वाटर वे जिसको आप कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये मोस्ट यूज वाटर वे है ऑफ द वर्ल्ड। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रूट बाय एनी थ्री पॉइंट, यानी तीन बिंदुओं के अंदर इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए राइन जलमार्ग जो है आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है, राइन जो है ना जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है। राइन नदी जलमार्ग है ये, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है। यह जलमार्ग दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जलमार्ग है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, पेपर में आ सकता है। प्रत्येक वर्ष 20,000 से अधिक समुद्र में जाने वाले जहाज और 2 लाख का ढाई सैकड़ा आजाद जल, वही लाख, यानी लगभग 2 लाख के आसपास आपका अंतरदेशीय, यानी कि उसी देश के कह सकते हैं जहाज, अपने कार्गो का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो उसी देश के जहाज मतलब, माफी चाहूंगा, यानी कि और भी देश के जो जहाज है वो सारे आदान प्रदान करते हैं, कार्गो मतलब सामान ले जाते हैं, ले आते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इतना आप समझ सकते हैं ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलता है ये जो राइन जलमार्ग है उसके अंदर। यह स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग से जोड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग आ गए हैं छठे प्रश्न पे। छठे प्रश्न में बोल रहा है कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिज के आपको प्रकार बताने हैं। जो खनिज होता है ना हमारा, उस कितने प्रकार के होते हैं मिनरल्स, एंड इसके अलावा आज दुनिया में किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत जो होते हैं ना, उनका जो महत्व होता है ना, उसको स्पष्ट करना है आपको। तो जो आप खनिज होता है वो कितने प्रकार का होता है, और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत जो है ना, आज के परिदृश्य से उनका महत्व बताना है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर खनिज दो मुख्य श्रेणियों में हम लोग इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। पहला है धातु वाला खनिज होता है, जिसको हम लोग एक तरह से एग्जाम्पल के आधार पर बताऊं तो लोह अयस्क, ये धातु खनिज के अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा है आपका गैर धात्विक खनिज जो होता है हमारे, यानी जिसके अंदर आप पेट्रोलियम वगैरह को कंसिडर कर सकते हैं। सीधी सी बात है ना, खनिज वही हो गया ना कि ये हमारा जमीन है। अब जमीन को हमने खोदा, इतना खोदा, और इतना खोदने के बाद हमने खनिज निकाला, ठीक है, ये खनिज हमने निकाल लिया। खनिज में हमें धात्विक चीजें, लोहा अयस्क, यानी कि लोहा, तांबा, इस तरह से चीजें भी मिलेंगी, और खोदने पे हमें पेट्रोल भी मिलेगा, ठीक है। तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, गैर धात्विक, और धात्विक में आप लोग लोहा को ले सकते हैं। तो इस तरह से हम दो भागों में इसको जो है सो कि मुख्यतः बांट सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो है सो कि इसी के अंदर है कि गैर पारंपरिक स्रोतों का आपको वर्णन करना है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं, देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जिससे हमें एनर्जी मिलती है, आप कोयला देखिए, कोयला एक पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। पेट्रोल देखिए, या पेट्रोलियम कह लीजिए, पेट्रोलियम, ये एक पारंपरिक स्रोत है। पेट्रोलियम में पेट्रोल आ जाएगा आपका, पेट्रोल को बाइक में डालते हैं, चलती है बाइक एकदम अच्छे से। कोयले, कोयले से हम लोग बिजली बनाते हैं। लेकिन अब गैर पारंपरिक की बात करिए तो हमें पहले से मिलती हुई आई है, जमीन से मिल रही है। गैर पारंपरिक जो हमने बना दी, हमने क्या बना दी, सौर ऊर्जा, ठीक है, सोलर एनर्जी से हम लोग और सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो पवन ऊर्जा है, ठीक है, ये ज्वारीय ऊर्जा, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत आप इसको कह सकते हैं। तो उसके बारे में इनका ही आपको महत्व बताना है कि जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है ना, उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है, ठीक
तो ध्यान से समझिए, गैर पारंपरिक स्रोत जो है उनका महत्व, ये स्थायी ऊर्जा संसाधन है यानी कि परमानेंट रहने वाले हैं, ठीक है, और नवीकरणीय भी है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं नए भी है, जैसे सौर पवन ऊर्जा आदि, यानी कि जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आदि, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यह पृथ्वी पर असीमित मात्रा में है, पृथ्वी पर इनकी कोई भी सीमा नहीं है, बहुत है, अनलिमिटेड मात्रा में है, लेकिन जबकि जो ऊर्जा के पारंपरिक साधन है ना, वो एक सीमित मात्रा में है, ठीक है। उसके बाद है कि ये ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित और पर्यावरण के अनुकूल भी है। ये जो स्रोत है हमारे, ये पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण के लिए सही भी है, जबकि जो हमारी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, कोयला वगैरह हम लोग जला के ऊर्जा बनाते हैं, तो इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अधिक स्थायी है, यानी कि अच्छा लंबे समय तक टिकेगा, और पारंपरिक जो हमें जो स्रोत मिला है ऊर्जा का, ठीक है, जो कोयला वगैरह ये सारी चीजें मिली है, ऊर्जा का स्रोत जो भी मिले हैं, इसकी तुलना में ये बहुत सस्ते होते हैं। ध्यान रखिएगा, कोयले से अगर आप बिजली बनाते हैं ना ऊर्जा के रूप में, तो वो महंगा पड़ेगा। अगर सोलर एनर्जी से, सोलर प्लांट्स जो होते हैं उनसे जो बिजली बनती है, वो सस्ता पड़ता है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है उनका आप महत्व तो स्पष्ट कर सकते हैं। और भी कोई प्रासंगिक बिंदु हो सकता है, एनसीईआरटी को आधार बना के आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, कि संसार में हथकरघा उद्योग की किन्हीं तीन विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। हथकरघा उद्योग यानी कि हाथ से बनाई हुई चीजें होती है, या कह सकते हैं ऐसे उद्योग जिनमें हाथ से बनाई हुई चीजें ज्यादा बनाई जाती है, हथकरघा उद्योग के अंतर्गत आप ला सकते हो उसको। एक्सप्लेन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हथकरघा उद्योग जो है उसकी अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें, तो ये हो जाएगा कि हथकरघा उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यह अर्ध कुशल श्रमिकों को भी रोजगार प्रदान करता है, यानी कि जिनके पास ज्यादा स्किल वगैरह नहीं है वो भी इसके अंतर्गत काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है, ये जो उद्योग होता है ना इसके अंदर ज्यादा आपको पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं है, पूंजी कम में भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मशीन वशीन तो खरीदना नहीं है, ज्यादातर काम तो हाथ से ही हो रहा है, तो कम पूंजी में आपका काम हो जाएगा। इसके अंतर्गत ये जो उद्योग होता है ना, इसके अंतर्गत सूत की कताई होती है, ज्यादातर बुनाई किया जाता है, आदि कार्य किए जाते हैं, तो ये मुख्य काम होते हैं इस उद्योग के अंतर्गत। तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन डी के अंदर, जिसको खंड डी भी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन, यानी कि अभी तक हम लोग मेनली तीन नंबर के क्वेश्चन देख रहे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे थे, छोटे क्वेश्चन देख रहे थे ना, अब हम लोग देखेंगे बच्चों 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर, ठीक है, जिसको आप लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। देखिए सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्यटन को परिभाषित कीजिए, पर्यटन क्या होता है और पर्यटन को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों की विस्तार से समीक्षा करिए। कि जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं ना, उनके चार कारक आपको बताने हैं। इंग्लिश में देखिए डिफाइन टूरिज्म, टूरिज्म क्या होता है, और एनालाइज एनी 4 फैक्टर्स इन डिटेल दैट अफेक्ट टूरिज्म, ठीक है, तो ये आपको बताना है। आंसर देखिए बच्चों, उत्तर यहाँ पर पहले हम लोग टूरिज्म को समझते हैं, या कह लीजिए पर्यटन को समझते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए पर्यटन की परिभाषा कुछ इस तरह से है कि पर्यटन व्यवसाय के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा होती है। ये एक ऐसी यात्रा होती है ना जिसमें व्यवसाय नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ट्रेड वगैरह इस तरह से, व्यापार वगैरह इस तरह से कुछ चीजें नहीं होती है, ज्यादातर इसमें मनोरंजन के लिए किया जाता है ये पर्यटन। एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, ज्यादातर मनोरंजन के लिए, उसका एंटरटेनमेंट हो सके। और यह कुल पंजीकृत नौकरियों 250 मिलियन और कुल राजस्व यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है 40% में दुनिया की सबसे बड़ी तृतीय गतिविधि यानी थर्ड एक्टिविटी बन गई है। यानी कि अगर हम बात करें टूरिज्म की, तो लगभग 250 मिलियन नौकरियां जो है ना, या कह लीजिए इम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो केवल और केवल टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और बात करें राजस्व की, कितना इससे पैसा आता है, GDP वगैरह क्या रहता है, तो दुनिया का आप 40%, ठीक है, लगभग मान के चल सकते हैं, एक रफ आइडिया में बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मान के चल सकते हैं, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गतिविधि बन गई है टूरिज्म, ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक की कोई आदमी क्यों पर्यटन करेगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए जलवायु, जहाँ की जलवायु अच्छी होती है लोग वहां पर जो है सो कि आना पसंद करते हैं और अपना अलग मौसम का अनुभव लेना पसंद करते हैं। लैंडस्केप, बहुत से लोग अपनी छुट्टियां जो है आकर्षक वातावरण में बिताना पसंद करते हैं, तो अक्सर पहाड़ों में, झीलों में और ऐसे जहां पर अच्छा दृश्य देखने को मिले वहां पर जाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक है, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद आगे चले तो इतिहास और कला, जहाँ का इतिहास और कला काफी अच्छा होता है, लोग वहां पर जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था, ये जातीय रीति रिवाजों को समझने के लिए, जैसे भारत में भी बहुत लोग आते हैं, यहाँ पर चीजें सस्ती भी है तो इसीलिए ये और ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है सस्ते दामों के कारण, ठीक है। और इससे हमें भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, और होम स्टे एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, कि गंदी बस्तियों से आप क्या समझते हैं और गंदी बस्तियों में निवास करने वाले लोग किन समस्याओं का सामना करते हैं, आपको कोई चार बताना है। तो बहुत ईजी है बच्चों, देखिए गंदी बस्तियां या मलिन बस्तियां कह लीजिए, झुग्गी झोपड़ी, ये एक समूह में होता है, ग्रुप में होता है, झोपड़ी संरचनाओं की कॉलोनियां है। इनमें वे लोग रहते हैं ना जो आजीविका की तलाश में, यानी कि रोजगार की तलाश में, गांव से निकल करके शहरों में आते हैं, यहाँ पर पलायन करते हैं और यहाँ पर आने के लिए मजबूर है, लेकिन यहाँ पर किराया बहुत है और भूमि जो है ना उसकी उच्च लागत है, यानी जमीनों की कीमत भी बहुत है। इस कारण से उनके पास कोई उचित आवास नहीं है, कोई अच्छा घर नहीं है और वो खरीद भी नहीं सकते, ठीक है। और वे पर्यावरणीय रूप से असंगत और अवक्रमित क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, यानी पर जहाँ जंगल झाड़ है, जहाँ उनको लगता है कि गवर्नमेंट की जमीन है वहाँ कब्जा कर लो और धीरे धीरे वहाँ झुग्गी बनाने करके झुग्गी बस्तियां ही बसा दो पूरी, कोई किराया नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा गंदी बस्तियों के अंदर कंसीडर आप कर सकते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं बच्चों। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये भी समझिए कि यहाँ पर जो गंदी बस्तियों में रहते हैं लोग, उनकी समस्याएं क्या क्या होती हैं, यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि कोई चार समस्याओं का आपको वर्णन करना है जो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, निवास करने वाले लोग हैं, उनको फेस करना पड़ता है। देखिए जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती, पानी उनको नहीं सही से मिलता है, पेयजल, यानी पेयजल मतलब पीने वाला पानी, उसको लेने के लिए उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है, ठीक है। जल जनित बीमारियां देखने को मिलती है, यानी पानी से जो गंदा पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उससे जो बीमारियां है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इन जैसे झुग्गी बस्तियों में, जैसे हैजा, पीलिया, ये सब, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है, और साफ पानी की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। कच्ची सड़कें देखने को मिलती है यहाँ पर, विकास के कम बहुत साधन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर विकास नहीं हो पाता है। और विशाल जनसंख्या के कारण क्या होता है ना, स्वास्थ्य संबंधित और शिक्षा संबंधित जो सुविधाएं है ना वो भी अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो एक ये चीजें भी आप लिख सकते हैं। इसी के उसमें अथवा में एक क्वेश्चन और पूछा है आपसे, यानी कि इसमें एक अथवा देखने को मिलता है, चॉइस देखने को मिलती है कि ऊपर वाला अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन 8वां, तो 8वें का अथवा आप कर सकते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन एक और दे रखा है कि पनामा नहर जो है ना उसने दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये चीज आपको स्पष्ट करनी है। द पनामा कैनाल कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ साउथ अमेरिका हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू एक्सप्लेन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए पनामा नहर के बारे में आपको बता देना है, जैसे कि देखिए पनामा नहर जो है ना उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के बीच में 72 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क एवं पश्चिमी अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को जो है उसके मध्य जल परिवहन से 13,000 किलोमीटर की दूरी को कम किया गया है। इसी तरह से कहा जा सकता है कि पश्चिमी यूरोप एवं जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व एवं पश्चिमी तट, यानी पूर्वी तट जो है और पश्चिमी तट जो है उसके मध्य आसानी से परिवहन को मतलब परिवहन हो पाता है, जा पाते हैं और आ पाते हैं, ठीक है। ये नहर जो है ना दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने में बहुत सहायता करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप पनामा नहर के बारे में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं आपसे। उसके बाद आते चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न पूछा है आपसे कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर कीजिए, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिल एरिया डेवलपमेंट, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र का विकास होता है ना उसके लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है ना उनको उजागर करना है। तो भारत के संदर्भ में क्वेश्चन है आपका, तो देखिए 5 वर्षीय ये कह लीजिए पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह जब तैयार की जाती है, ठीक है, या 5वीं पंचवर्षीय योजना जब तैयार की गई थी उसके दौरान पहाड़ी क्षेत्र में विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जब भारत की 5वीं आप कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसी टाइम पे जो पहाड़ी क्षेत्र में जो विकास कार्यक्रम है वो शुरू किए गए थे, जिसके अंदर यूपी वगैरह के कुछ क्षेत्र शामिल हो जाते हैं, ठीक है, जो वर्तमान में आज के टाइम पे उत्तराखंड है या उत्तरांचल कह लीजिए है।
असम में मिकिर हिल है, और उत्तरी कछार जो है पहाड़ियां पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के 15 जिलों को शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और भी उत्तर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इस तरह से आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा मिला जुला करके आपको लिख देना था तो आपको पूरे नंबर मिल जाते। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेक्शन ई में आ गए हम लोग, फाइनल हमारा जो सेक्शन ई था जिसको खंड ई भी आप कह सकते हैं। इसमें आपको मानचित्र आधारित मैप बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देखिए बताया गया है, दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। तो देखिए भारत के मानचित्र पर हम लोग को ये चीजें दर्शानी है। तो पहले तो यहाँ पर आप समझिए कि मानचित्र आपका दिया क्या क्या है। पहला है राजस्थान में स्थित तांबे की खान, तो हमारा कॉपर माइन लोकेटेड राजस्थान, तो ये कौन सा है, खेतड़ी है। ठीक है, समझते चलिए, पहले मैं आपको दर्शा के भी दिखाऊंगा। दूसरा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी लेवल इन इंडिया, तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे मैप में कि कर्नाटक में स्थित 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, तो झारखंड में स्थित कोयले की खान कौन सी है, तो बोकारो है। कोल माइन लोकेशन जो है या लोकेटेड झारखंड कौन सा है आपका, तो ये आप कह सकते हैं। उसके बाद अगला है, उत्तरी दक्षिणी गलियारे का उत्तरम केंद्र कौन सा है हमारा, तो ये श्रीनगर है। ठीक है, उसके बाद है गुजरात में स्थित तेल शोधन कहाँ पे है, तेल शोधन शाला कह सकते हैं, रिफाइनरी लोकेटेड कहाँ पे है गुजरात में, तो ये जामनगर में है। ठीक है, अब पहला वाला जो हमारा था यहाँ पर देखिए, राजस्थान में खेतड़ी कहाँ पर है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मैप हमारा, और ये हमारा भारत का नक्शा, और यहाँ पर देखिए राजस्थान, राजस्थान का खेतड़ी ये आ जाता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये राजस्थान का खेतड़ी है हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन था कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पूरा ही हाईलाइट कर दिया क्योंकि पूरा ही अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन कि कर्नाटक में स्थित 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, तो ये बेंगलुरु है। बेंगलुरु कहाँ पे है, बेंगलुरु समझिए बच्चों, बेंगलुरु नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे है हमारा वर्तमान सिलिकॉन वैली, इसी बेंगलुरु को कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा भारत के अंदर झारखंड जो राज्य है वहां पर स्थित कोयले का खान कहाँ पे है, तो ये बोकारो के अंदर है। बोकारो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ये रहा झारखंड और ये रहा हमारा बोकारो, ये आप देख सकते हैं, ये रहा बोकारो। इस तरह से आपको मैप में लोकेट करना है। उसके बाद अगला है कि उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरतम केंद्र कौन सा है, तो श्रीनगर है। श्रीनगर तो आपको पता है ऊपर में मिलेगा, इजी लगेगा आपको, ये रहा श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा कि गुजरात में स्थित तेल शोधन शाला कहाँ पे, तो जामनगर में है। जामनगर आपको कैसे लोकेट करना है, तो ये देखिए जामनगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा गुजरात और यहाँ पे जामनगर है, यहाँ पर तेल शोधन होता है, रिफाइनरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो जियोग्राफी का पेपर था बच्चों, ये समाप्त होता है, सैंपल पेपर नंबर 1 जियोग्राफी का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो लाइक कीजिएगा। और एक चीज और समझ लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के आ रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए जियोग्राफी के अंदर। मैं आपको बड़े ही ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका सेक्शन ए था हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो सेक्शन ए हमने किया है खंड क, ठीक है, इसके अंदर जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं 2 नंबर के, दो दो नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो समझ गए, इसके अंदर ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये दो दो नंबर के, ये देख रहे हैं ना आप, ये 2 नंबर के हो गए हमारे। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जो स्रोत वाला हमारा क्वेश्चन हमने किया है, ये वाला स्रोत वाला क्वेश्चन। तो ये स्रोत वाला क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, ये समझ लीजिए बच्चों। तो ये जो स्रोत वाला क्वेश्चन है आपका, ये भी छोटा क्वेश्चन है, ये आ जाएगा आपका कम से कम 3 नंबर में आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है इसका, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसमें से, और ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 था ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के पूछे गए थे। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें इसमें भी जो है सो कि हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, इसमें हमारे पूछे गए हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन, इसमें जो आ गए हम लोग 3 नंबर वाले। ठीक
ठीक है, तीन तीन देख रहे हैं ना, किन्हीं तीन बिंदुओं का आपको वर्णन करना है। तो जो सेक्शन सी में क्वेश्चन है ये तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो सेक्शन जो हमारा डी है, सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये पांच नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, पांच पांच नंबर वाले आपको करने थे इसके अंदर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेक्शन डी भी हमारा कवर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो सेक्शन ई जो था हमारा, सेक्शन ई इसके अंदर एक एक नंबर के आपको पांच मैप करने थे, मतलब पांच मैप वाले क्वेश्चंस करने थे, तो ये पांच नंबर मिल जाता है आपको, यानी एक नंबर वाले मैप के अंदर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मैप था, और बस इसी तरह से हमारा ये पेपर हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है वीडियो को बनाने में। शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है, और बता दीजिए कि अब हम लोग इस तरह के वीडियोस डालने लग गए हैं आपके लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी, इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए। जय हिंद।